सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज 11:30 बजे से लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सभी राज्यों के मंत्रियों और यूनियन टेरिटरीज के मंत्रियों के बीच एक अहम बैठक की जा रही है। तो कोरोना काल की इस महा बैठक से सूत्रों के अनुसार जो अपडेट मिल रही है, आइए उस बड़ी सी अपडेट को इस छोटी सी खबर में हम सुनते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, कोरोना काल में 12वीं की परीक्षा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप, 12वीं की परीक्षा होगी। 12वीं की परीक्षा के लिए 19 विषय, ये 19 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो चुने गए हैं, और इन्हीं 19 सब्जेक्ट्स की अलग अलग स्ट्रीम्स के ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको तय किया गया है, फाइनलाइज किया गया है और इनके एग्जाम लिया जाएगा। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया मौजूद हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। अपडेट क्या मिल रहा है विकास? देखिए, अब से कुछ देर पहले बैठक शुरू हुई है, लेकिन इस बैठक में सीधे सीधे ये प्रस्ताव रखा गया है कि 12वीं की परीक्षाएं कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे बच्चों का आगे का फ्यूचर तय होता है, उनको आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना होता है। ऐसी सूरत में केवल एवरेज मार्किंग के आधार पर बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं किया जा सकता। सरकार ने ये तय किया है कि तकरीबन 19 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि जिनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं, इन सब्जेक्ट के बेसिस पर आगे बच्चों को प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, इसलिए इन सब्जेक्ट की, 19 सब्जेक्ट की परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। ये कब होगी ये परीक्षा? जी देखिए, अभी तारीख को लेकर कुछ संशय है। आज जब बैठक होगी शिक्षा मंत्रियों से, तमाम राज्यों के जो जुड़ेंगे उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा। ज्यादातर राज्य भी शिक्षा परीक्षा के लिए तैयार हैं। माना ये जा रहा है कि जुलाई में जब एडमिशन सेशन शुरू होता है उससे पहले ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, सरकार की ये कोशिश होगी, तमाम राज्यों की भी कोशिश होगी। तो ये माना जा रहा है कि जून के मध्य तक परीक्षा आयोजित की जा सकती है और जुलाई के पहले वीक तक छात्रों के परीक्षा परिणाम भी आ सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट भी कम होंगे इसलिए इनका परीक्षा परिणाम भी जल्दी आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास भदौरिया इस बड़ी खबर के लिए।